फिर आई हूँ आपके सामने एक न्यू रेसिपी के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जल्दी से कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलना। और गाइस, कल की रेसिपी मैंने एक वर्ड दिया था और मैंने बोला था कि जो सबसे पहले मुझे उस वर्ड से सॉन्ग बताएगा उसी का कमेंट मैं पिन करूंगी और उसी की चॉइस का सॉन्ग नेक्स्ट वीडियो में गाऊंगी। तो मुझे सबसे पहले कमेंट मिला है आयशा का, तो आज की इस वीडियो में मैं आयशा की चॉइस का सॉन्ग गाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। गाइस, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सभी चाहते हैं कि हमको रिफ्रेशिंग ड्रिंक मिले जो आसानी से घर पर फटाफट बन जाए, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई नहीं चाहता कि उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ 3 ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं, और वो भी घर पर रखे सामान से। इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपनी पहली रिफ्रेशिंग ड्रिंक, पान शेक। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 पान के पत्ते। अब इन पान के पत्तों को हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। इसका जो मोटा डंठल है हम इसे कट कर लेंगे। तो गाइस, ये बताइए कि पान को देखकर आपके मन में कौन सा गाना आता है? तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट में मुझे बताइए। जिसका कमेंट मुझे फर्स्ट मिलेगा उसका मैं पिन करूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम और उसकी चॉइस का सॉन्ग गाऊंगी। गाइस, पान से सबसे अच्छा मुखवास भी बनाया जाता है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूंगी। काटने से ही इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो देखिए, अब हमने जार में पत्तों को कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा, इसे हम डेसिकेटेड नारियल भी कहते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ इलायची के दाने। हम इसमें मिलाएंगे ठंडा पानी, आप चाहे तो इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी डालने से इसका कलर ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी गुलकंद। इसमें मैंने मिलाया है 1 चम्मच गुलकंद। गुलकंद मिलाने से इसका टेस्ट और खुशबू दोनों बढ़ेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, क्योंकि गुलकंद डालने से इसका कलर लाइट हो जाएगा। तो इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस, आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, पान खाए सैया हमारो सांवली सूरतिया होठ लाल लाल। तो अब अपने हस्बैंड को पान नहीं, पान शॉट भी पिलाइए। अब इसे हम एक बार और पीस लेंगे। देखिए, वाव, कितना प्रीति लग रहा है। तो इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है गाइस, आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 हफ्ते तक, और अगर बहुत दिनों तक आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे आइस ट्रे में भी रख सकते हैं। तो जब भी आपको ये ड्रिंक बनाना हो, आप आइस ट्रे में से इसको निकालिए और फटाफट किसी को भी बनाकर सर्व कर दीजिए। तो अब इसको सर्व कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि जब हम दूध वूध डालेंगे तो फिर इसमें शुगर कम हो जाएगी, इसलिए हम इसके लिए 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध डालने के बाद अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की। इसका मेन इंग्रेडिएंट है क्रीम, आप इसमें फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, और उससे भी बेस्ट है आप इसमें डालें आइसक्रीम। अगर आप इसमें वनीला आइसक्रीम डालेंगे तो इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मैंने इसमें वनीला आइसक्रीम डाली है।
वनीला आइसक्रीम डालने से इसका टेस्ट तो इतना बढ़ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और गाइस इसके बाद एक काम और करना है आपको, इसे या तो हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लीजिए या फिर आप इसे एक बार मिक्सी में चर्न कर लीजिए। मैंने उसी जार में इसे एक बार चला दिया है। वाओ गाइस अमेजिंग, ये कितना टेस्टी लग रहा है। सच में गाइस मैं बता नहीं सकती कि ये बहुत ही टेस्टी था। इसका जो लाइट ग्रीन कलर है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये पिस्ता का ड्रिंक है। ये मेरे पास कुछ चेरी पड़ी थी तो मैंने उसे चेरी से इसको गार्निश कर दिया है। और इसे और प्रीटी लुक देने के लिए मैं इसे गार्निश कर रही हूँ रोज की सूखी पत्ती से। गाइस ये ड्रिंक बहुत ही अमेजिंग था, बहुत टेस्टी था, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रिंक कैसा लगा। तो गाइस अब पान खाने के साथ साथ अब पान पी भी सकते हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ गर्मियों की बेहद ही स्पेशल ड्रिंक। ये समर स्पेशल है और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ घर पर ही सबका फेवरेट गन्ने का रस। क्यों हैरान हो गए ना, गन्ने का रस और वो भी घर पर। हम गन्ने का रस बनाएंगे बिना गन्ने के, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है गुड़ का एक टुकड़ा, इसे हम चाकू से काट लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप लोग को तो मालूम ही है कि गुड़ बनता है गन्ने के रस से, बट आज हम बनाने वाले हैं गुड़ से गन्ने का रस, और वो भी बिना गन्ने के, जो कि टेस्ट में बिल्कुल गन्ने के रस की तरह लगेगा। गुड़ के फायदे भी आप सभी को मालूम है। गुड़ हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और हमारे फेस में ग्लोइंग लाता है। ये हमारे लिए बहुत ही फायदे वाला है। तो इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करने वाले हैं। गन्ने के रस को हम बनाएंगे नेचुरल चीज़ से। गुड़ को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी आधा ग्लास पानी और इसे कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे जिससे कि गुड़ पानी में मिक्स हो। हमारे गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हमें करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। इंतज़ार कब तक हम करेंगे भला। इंतज़ार का ख़त्म, अब हमारा गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें थोड़े से टुकड़े गुड़ के रह गए लेकिन कोई बात नहीं, ये मिक्सी में पिस जाएंगे। तो अब बारी आती है आयशा की चॉइस का सॉन्ग गाने की। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। थैंक यू आयशा। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और नींबू का रस और फ्रेश पुदीना के पत्ते। अब हम इसे 2 मिनट के लिए चला लेंगे। तो देखिए पिसने के बाद ये ऐसा हो गया है। अब थोड़े से बर्फ के टुकड़े भी डालकर इसे चला लेंगे क्योंकि गन्ने का रस तो ठंडा ही अच्छा लगता है। वाओ अमेजिंग गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये कहीं से भी देखने से नहीं लग रहा है कि ये बिना गन्ने का बना है। तो चलिए अब इसे छान लेते हैं। अब हम तो चले इसे पीने और आप इसे सिर्फ देख सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। तो अगर आप भी इसका एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको खुद से बनाना होगा। तो जाइए जल्दी से इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक का आनंद लीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक कैसी लगी। अब इसे पीने के लिए बाहर धूप में नहीं जाना पड़ेगा, आप इसका आनंद घर पर ही ले सकते हैं। और इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। अब जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उसे बिना गन्ने का ही गन्ने का रस पिलाना
वो भी इसे पीकर खुश हो जाएंगे और आपकी जब तारीफ करेंगे तो आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। तो आपको ये मेरी ड्रिंक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं अपनी तीसरी और लास्ट ड्रिंक बनाने। तो गाइस अब मैं बनाने वाली हूँ तीसरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो गर्मियों में सबकी फेवरेट है, वो है सत्तू ड्रिंक। तो इसके लिए तो मैं घर पर ही चने पीस कर इसका सत्तू बनाऊंगी और फिर इसकी ड्रिंक बनाएंगे। आप चाहे तो मार्केट से बना बनाया सत्तू भी ला सकते हैं। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो गाइस ज़रा बताइए कि सत्तू से और कौन सी डिश बनती है और वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर फेमस है। तो देखिए घर पर ही कितनी आसानी से सत्तू रेडी हो गया है। तो आपको कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है कि सत्तू नहीं है घर में। तो इस सत्तू में से हम 2 चम्मच सत्तू एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ हरा धनिया की पत्ती या फिर आप इसमें पुदीना की पत्ती भी कटी हुई डाल सकते हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी बारीक कटा हुआ प्याज, क्योंकि मुझे सत्तू में क्रंचीनेस पसंद है इसीलिए मैं इसमें प्याज मिला रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि मैं ये नमकीन सत्तू बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मीठा नहीं पसंद। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें पानी ऐड कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अमेजिंग ड्रिंक रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसे मीठा भी बना सकते हैं। गाइज इस ड्रिंक को बनाने में तो 10 मिनट भी नहीं लगे हैं। इसे जीरा पाउडर से गार्निश कर देंगे। तो देखिए मेरी तीसरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी बनकर रेडी हो गई है। ये चने का सत्तू गर्मियों में बहुत ठंडा पहुंचाता है। आप चाहे तो अगर इसे मीठा पीना चाहते हैं तो इसमें आप नमक की जगह चीनी मिलाकर पी सकते हैं और इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो गाइज आपको मेरी ये तीनों रिफ्रेशिंग ड्रिंक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।